तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में जान के आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं और इसमें कुछ AI फीचर्स ऐसे दिए हैं जिसके माध्यम से आप बात भी कर पाएंगे। तो दोस्त सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। साथ ही में अगर आप नए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो इस जानकारी को अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा था उस एप्लीकेशन का नाम है इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। तो दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके 10 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, तो मैंने इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इसे सिंपली ओपन कर लेना है। अब ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने नज़र आ जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज दिया गया है, इस कैटेगरी के हिसाब से आप बात कर पाएंगे या फिर आप कन्वर्सेशन कर पाएंगे। जैसे आपको ट्रिप्स और वेकेशन पे जाना है तो वहाँ पे आपको कैसे बात करना है, किसके साथ क्या व्यवहार रखना है, वहाँ पे आपको देख सकते हैं। ईटिंग एंड ईटिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक्स होता है वहाँ पर बात करेंगे। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टॉकिंग अबाउट किड्स से, मतलब बच्चों से कैसे बात करना है, क्या कैटेगरी रखेंगे, तो ऐसे करके काफ़ी कैटेगरीज यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर एक कैटेगरी चूज़ करते हैं, ट्रिप एंड वेकेशन पर इंटर कर दिया, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर जो कैटेगरी है उसमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर अ ट्रिप टू लेक कन्वर्सेशन इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर लिसन, क्विज, प्रैक्टिस, रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो भी बात करेंगे उसको आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, तो बड़ा ही हेल्पफुल है। अब कैसे आप इंग्लिश सीखेंगे, तो जैसे आपको पिकनिक पर जाना है आफ्टरनून, जैसे लिखा अ ट्रिप टू द लेक कन्वर्सेशन आफ्टरनून पिकनिक, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर दो लोग हैं, जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो कैथी एंड मॉम के बीच में क्या बात हो रही है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं आप देख पाएंगे, तो इससे आपको एक इंग्लिश बोलने का एक्सपीरियंस यहाँ पर महसूस होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं कैथी का रोल प्ले कर रहा हूँ और कैथी के रोल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैथी वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए टिक लग गया है। अब यहाँ पर नीचे एक बटन दिख रहा होगा प्ले का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे लिखा है मीमी का मतलब मैं, यानी कि इसमें से ये वाला मैं बोलूँगा और कैथी का जो बटन है वो यहाँ पर लिखे हैं वो यहाँ पर मॉम बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मी श्योर कैथी, वेयर वुड वी हैव इट? How about the lake? Me, that's a great idea. What should we pack for lunch? I can make ham sandwiches and potato salad. Yummy! I love ham sandwiches and potato salad. Tell your sisters about the picnic. Okay, I think it is going to get hot later today. That's good. It will be a good day for a swim in the lake. I'll tell Cindy and Allison to wear their swimsuits. Don't forget to pack your life jacket too. Okay. Will Andy be joining us? Of course. Your brother will be joining us. Where is he? He's taking a nap on the couch. Let's wake him up. You can wake him up. I'll get my sisters. Andy, wake up. Where are going to the lake? तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा, अब उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो किया गया था उसको आप सुन भी सकते हैं, और यहाँ पर लिसन का ऑप्शन दिया है, सुन के आप कुछ भी यहाँ पर देख सकते हैं कि वेयर डज कैथी वांट टू हैव अ पिकनिक, तो आप इसका कुछ भी खेल सकते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऐप है।